नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरियाणा में जो बीपीएल राशन कार्ड के लिए सर्वे के लिए आवेदन किए गए थे, जो फरवरी महीने के लास्ट में हुए थे, तो उनके सर्वे शुरू हो गए हैं। तो देखिए ये वीडियो, जानें क्या प्रोसेस चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संजय टेक अपडेट्स। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। अभी संत कबीर जयंती पर मनोहर लाल खट्टर साहब ने अभी ऐलान किया था कि जुलाई तक 125 लाख बीपीएल कार्ड बांटेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह में 1.25 लाख बीपीएल कार्ड धारकों के कार्ड उनके घर पहुंच जाएंगे। तो इसी का प्रोसेस शुरू हो गया है। अब देखिए, मैं आपको एक न्यूज़ के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कैसे हो गया। देखो, दैनिक भास्कर में अभी 16 तारीख को एक न्यूज छपी है कि बीपीएल के पात्रों के चयन के लिए घर घर वेरिफिकेशन कर रही है नगर निगम की टीम। ठीक है दोस्तों, देखिए, नगर गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के लोगों को चयनित करने के लिए नगर निगम ने वेरिफिकेशन सर्वे शुरू कर दिया है। प्रत्येक वार्ड में एक टीम जांच पड़ताल में जुटी है। टीम के सदस्य बीपीएल के आवेदकों के घर घर जाकर उनके आवेदन पत्र के हिसाब से दी गई जानकारियों की जांच पड़ताल में लगी है। टीम के सदस्यों की जांच पड़ताल पूरी करने का टारगेट 20 जून तक है। इसी टारगेट के तहत नगर निगम के अधिकारियों को की टीम जुटी हुई है। सीएम सिटी में तकरीबन 18,000 परिवारों ने बीपीएल राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है, इसलिए नगर निगम ने इस आवेदकों द्वारा दी गई जानकारी के लिए घर घर जाकर जांच पड़ताल करने के लिए प्रत्येक वार्ड में एक टीम को नियुक्त किया है। दो सदस्यीय इस एक टीम के हिस्से में 900 परिवार आए हैं। अधिकारियों को प्रत्येक आवेदन के घर पर जाकर उनके आवेदन पत्र के अनुसार उनके संसाधनों व घर की हालत देखनी है। 20 जून तक वेरिफिकेशन पूरी करने की है टारगेट। जांच रिपोर्ट के आधार पर बनेंगे राशन कार्ड। नगर निगम की ओर से की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन की ओर से पात्र व्यक्तियों के बीपीएल कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये हर शहर में शुरू हो चुके हैं वेरिफिकेशन। बीपीएल सर्वे के लिए जो आवेदन किए थे हमने फरवरी माह में, उनके सर्वे शुरू हो गए हैं और उसके आधार पर ही हमारे बीपीएल कार्ड बनेंगे, और जो कि जुलाई महीने के पहले हफ्ता में 125 लाख राशन कार्ड बांट दिए जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।